पांच किलो कहाँ से पड़ा है? क्राउट। ठीक है, तो सभी को जय हिंद। दोस्तों आज का वीडियो है शॉर्ट पुट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, आप बिहार पुलिस के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी अन्य भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर शॉर्ट पुट मांगा गया है, तो आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ एकदम डिटेल से बताएंगे, बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे। आपको शॉर्ट पुट का जो एरिना है उसमें अंदर कैसे आना है, बाहर किस तरह से निकलना है, सारा टिप्स एंड ट्रिक, किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से फेंकना है, बेस्ट बेस्ट तरीका सारा कुछ अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो है शॉर्ट पुट के बारे में। जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा, और जिनको पता है कुछ कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताते रहना, और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी सारा कुछ पता चलते रहेगा। तो सबसे पहले हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो शॉर्ट पुट है उसको किन किन नाम से जाना जाता है? गोला शॉर्ट पुट, बस दो, गोला शॉर्ट पुट और पाउंड। पाउंड तो एक वजन का क्राइटेरिया जिसको बताया जाता है, पाउंड नहीं, गोला शॉर्ट पुट और शॉर्ट। ठीक है, बाकी और भी कहीं अन्य नाम से जाना जाता होगा, इतना इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, ये तीन। तो जो शॉर्ट पुट है वो जनरली दो तरह के लोग प्रैक्टिस करते हैं, दो तरह के स्पोर्ट्स पर्सन। पहले कौन? पहले जो स्पोर्ट्स वाले हैं, ठीक है, जो इन्हीं में करियर बनाना चाहते हैं, शॉर्ट पुट में ही नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं, ओलंपिक खेलना चाहते हैं, कॉमनवेल्थ खेलना चाहते हैं, वो इन्हीं में करियर बनाना चाहते हैं, पहले तो वो प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे कौन लोग प्रैक्टिस करते हैं? जिनका फिजिकल एग्जाम में कोई क्राइटेरिया हो, जिनका फिजिकल क्राइटेरिया हो जिनमें मांगा गया हो शॉर्ट पुट। ठीक है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे आंध्र प्रदेश पुलिस हो, चाहे कहीं का भी फिजिकल क्राइटेरिया में ये चीज़ मांगा गया हो। अब जनरली तीसरा आदमी कौन प्रैक्टिस कर लेता है? जब आप कहीं आम खुले जगह पर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि आसपास लोग दम आजमाइश के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको भी सतर्क रहना कि आप कहीं दम आजमाइश के लिए करते हैं तो आसपास देख लें, क्योंकि शॉर्ट पुट थोड़ा सा भारी होता है, कलाई भी मुड़ सकता है और आप इंजर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको एल्बो इंजरी भी आ सकता है और आसपास कहीं आप इधर उधर भी फेंक सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो शॉर्ट पुट का वेट होता है वो कितना होता है? पाँच किलो कहाँ से पड़ा है? जो मैन का होता है, जो आपके फिजिकल में भी मांगा जाता है, वो होता है 7.26 केजी। पाउंड में कितना हुआ? 16 पाउंड। ठीक है, सब गलत बता रहे हो यार, कहाँ से पढ़े हो? ठीक है, जो वुमेन का होता है वो होता है 4 केजी का। ठीक है, वेट तो हो गया। अब बात करते हैं हमारा सर्कल, सर्कल का जो रेडियस होता है, रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, त्रिज्या जो होता है वो होता है 1.067 मीटर। ठीक है, उसका दुगना कितना हुआ? डायमीटर 2.135 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया डायमीटर। डायमीटर किसको बोलते हैं हिंदी में? डायमीटर को क्या बोलते हैं? ब्यास। ब्यास क्या होता है? ब्यास रेडियस का हुआ डबल। ठीक है, ब्यास का मतलब ये हुआ कि एक सीधा लाइन सेंटर के बीचों बीच जो पार हुआ, जो सेंटर को दो भाग में इक्वली बांट दिया। ठीक है, अब देखिए कि आपको ये सर्कल तो दिख गया, आप इसके बारे में समझ गए। अब ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये एक जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ही आपका गोला गिरना चाहिए। ठीक है, इसका जो एंगल बनता है वो होता है 34.92 एंगल। इसी एंगल में अगर आप गिरिएगा तो आपका काउंट होगा। अगर शॉर्ट पुट आप थ्रो करते हैं, इसी एंगल में अगर आपका गिरा तभी जाकर आपका जो शॉर्ट पुट है वो काउंट होगा। ठीक है, इतना तक कोई कंफ्यूजन आपको? अब जो बात आती है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन रहता है 75 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये लाइन क्यों होता है किसी को पता है? ये लाइन का मतलब ये होता है कि जब आप शॉर्ट पुट को थ्रो कर लेते हैं उसके बाद आपको जो निकलना है इसी लाइन के पीछे से निकलना है, समझ गए? ये लाइन जनरली इसी के लिए रहता है, इसके बाद ही आप पीछे निकल सकते हैं। अगर आप आगे निकलोगे तो वो हो गया फाउल। ठीक है, अगर आप शॉर्ट पुट बढ़िया फेंक दिए, एकदम आप 25 फीट 35 फीट फेंक दिए, उसके बाद आप जोश में आगे निकल गए तो रिजल्ट हुआ 0, नो काउंट। ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना है। ये आपको इस लाइन के बारे में भी समझ में आ गया। ठीक है, तो ये सेक्टर का जो एंगल मैंने आपको बता दिया 34.92, इस एंगल, इस डिग्री में जो है आपका ये जो एंगल है इसी के अंदर आपको थ्रो करना है। इसके अगर आप बाहर करोगे तो आपका काउंट नहीं होगा। अब बात आई कि फाउल, इसमें कौन कौन सा फाउल होता है? जनरली जो बेसिक फाउल है कि आपको थ्रो करने के बाद पैर बाहर नहीं रखना है, या थ्रो करने के समय भी लाइन पे टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला फाउल।
दूसरा फाउल जो आप शॉर्ट पुट जैसे पकड़ते हैं, ठीक है, आप पहले से यहीं पर रखे हुए हैं, ये फाउल है। आपको जनरली जो आपका नेक है यहाँ पर रखना पड़ेगा या अदर जो टेक्निक होते हैं आपका उसको प्रयोग करना पड़ेगा। ये दो फाउल हो गए। अब यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन ये आता है कि आप शॉर्ट पुट को थ्रो करते हैं, ये आपका हाथ देखिए इस लाइन से ज़्यादा दूर गया, पैर गया, तो क्या ये फाउल है कि नहीं है? अगर आपका शरीर इतना घूमते हुए भी अंदर आ गया, ठीक है, फेंकने के बाद भी जिस तरह से आपने ये शॉर्ट पुट को मान के चले, इस तरह से थ्रो किया, ठीक है, अगर इसके बाद आप ऐसे करके अंदर भी आ गए तो ये समझ गए। अब बात करते हैं कि इसको ग्रिप किस तरह से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको शॉर्ट पुट को ज्यादा दूर फेंकना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ग्रिपिंग। अब ग्रिपिंग किस तरह से करना चाहिए, आप उठ जाइए, पकड़ के दिखाइए। जनरली मैं रैंडमली किसी को भी उठाया हूँ, ग्रिपिंग क्या होता है, इसमें क्या गलती है और क्या गलती नहीं है, देखिए। देखिए सबसे बड़ा गलती, इस दोनों उंगली में ज़्यादा गैप, ये उंगली बाहर, ठीक है, पहला गलती ये। दूसरा, आप YouTube पे अन्य कोई वीडियो देखते हो उसमें ये बताया जाता है ना जी, ये भी टेक्निक गलत है और ये इसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए। बैठ जाओ, अब हम आपको बताते हैं जो शॉर्ट पुट का जो फेंकने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपका ये दिख रहा है यहाँ पे जो ये निशान है, ये निशान और ये निशान, ये दोनों के बीच के आसपास में शॉर्ट पुट को आपको होल्ड करना है, देखिए इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है, इस तरह से रखे और ये यहाँ पे, ठीक है। ये जो है आपका अंगूठा लोग अपने मतलब कैपेसिटी या फिर अपने मतलब जिस तरह से वो अच्छे फेंक पाए उस हिसाब से रखते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती है ये आप इसको जितना सटा के रखिएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा गैप नहीं रखना है। ज़्यादा गैप रखिएगा तो पांचों उंगली का पावर एक जगह एकत्रित होकर एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं लग पाएगा, समझ गए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं इतना, ठीक है, ये समझ गए, देख लीजिए आप एक बार फिर, ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपका जहाँ से उंगली स्टार्ट हुई टिप, ये, ठीक है, और इसका बीच में इतना गैप रहेगा, ये जो चीज़ें हैं। अब ये उंगली साथ रखने का क्या मतलब ज़रूरत क्या है, किसी को कुछ पता है इसके बारे में, कोई लॉजिक लगा सकते हो? हाँ, पहला चीज़ तो ये हो गया कि पावर सभी उंगली से जनरेट होगा। दूसरा चीज़ ये होता है कि जब आप शॉर्ट पुट को थ्रो करते हैं, ठीक है, जब आप ऐसे कीजिएगा तो जब शॉर्ट पुट थ्रो कीजिए जब निकलता है तो एक उंगली में पूरा प्रेशर आ जाएगा, लेकिन जब ये चीज़ें रहेंगे तो आप जब फेंक कीजिएगा तो ये लचक से आपको और ज़्यादा दूर फेंकने को मदद करेगा, ठीक है, समझ में आ गया, शॉर्ट पुट ग्रिपिंग। अब बात करते हैं शॉर्ट पुट को रखने का पोजिशन किस तरह से होता है। शॉर्ट पुट को जिस तरह से आपने यहाँ पकड़ा, ग्रिपिंग रख लिया, गैप रहा आपका, ठीक है, अब ये यहाँ रखें, ठीक है, मान के चलिए यहाँ रखें। अब इसमें टेक्निक कितने तरीके के होते हैं, समझ गए, टेक्निक तीन तरीके के जनरली होते हैं। एक बार फिर से इस तरह से ग्रिपिंग किया आपने और शॉर्ट पुट इधर रखे या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से इस तरह से फेंकना, समझ गए। अब टेक्निक का बात करते हैं, सबसे बेसिक टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी, मतलब जो चलता आ रहा, जो लोग ज़्यादातर उपयोग करते हैं बेसिक सीखने के तौर पर, तो वो जो टेक्निक होता है उसमें भी दो पार्ट आते हैं। आजा तुम, आजा अंदर, ये लड़का अभी शॉर्ट पुट फेंकेगा, उठाओ, चलो फेंक के दिखाओ। ये जो लाइन है, पहला लाइन है आपका 16 फीट में और दूसरा लाइन है आपका जो सबसे आगे वाला लाइन है वो है 20 फीट में, ठीक है। पहला टेक्निक है ये खड़े खड़े फेंकता है, पावर ज़्यादा है, आराम से 20 फीट मांगा गया है, 20 फीट आराम से फेंक देता है, तो इसको कोई ज़्यादा टेक्निक ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इसका जो और क्राइटेरिया है, हाई जंप हो गया, दौड़ हो गया, उस पर ज़्यादा फोकस करने की इसको ज़रूरत है। करो, ठीक है, आराम से ये मेरे ख्याल से 26 फीट फेंक दिया, ठीक है, बैठ जाओ। तो ये जो टेक्निक उपयोग किया ऑर्थोडॉक्स, अगर आपके पास बॉडी में पावर है तो आपको, अगर जो आपको फिजिकल में जाना है तो आपको इतना ज़्यादा टेक्निक एंड टिप्स सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप आराम से 25 आराम से 20 पार फेंक दे रहे हैं, अगर आपका जो क्राइटेरिया मांगा गया 25 पार फेंक दे रहे हैं, अगर 20 पार फेंक दे रहे हैं, 20 मांगा गया बिहार पुलिस में, ठीक है, 20 पार करने के बाद कितने अंक दिए जाते हैं बिहार पुलिस में, 25, और जो क्वालिफाइंग रहता है वो होता है 16, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पर हम लोग नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट पार पर। तो जिस तरह से ये फेंका, पहला टिप्स क्या हो गया आपके लिए, पहला टिप्स है ये, अगर इसके पास पावर है, हल्का सा बैंड हुआ, ठीक है, हल्का सा बैंड क्यों हुआ था,
किसी को अगर आप बोला जाए उठो इधर, अगर हम इसको एक थाप यहाँ से मारते ऐसे, ठीक है मार नहीं रहे, और एक थाप यहाँ से लाके मारते हैं, दोनों में कितना अंतर आएगा? फोर्स ज़्यादा लेके आ रहे हैं ना, वही चीज़ हुआ। आप यहाँ से फेंक रहे ऐसे और ये यहाँ से लेके आ रहा, ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स हुआ, बैठ जाओ। ये हो गया पहला टेक्निक जो बच्चे ने बताया। दूसरा टेक्निक क्या होता है कि यही सेम चीज़ है, पीछे से लोग यहाँ से लेके एक स्टेप लेके फेंक दिए, रिलीज़ कर दिए, समझ गए, पीछे से लेके आए, मोमेंटम को लेके आए। स्पीड में आपको पता है कि हमारे बॉडी जितना भी वेट है उससे ज़्यादा पावर हम लोग स्पीड में आते हैं, तो हमारे अगर हम चल रहे हैं तो किसी से टकराएंगे तो बस छाती चौड़ा करके टकराओगे तो थोड़ा सा मतलब एफर्ट होगा, लेकिन भाई तुम दौड़ के आ रहे हो और टकराते हो तो हड्डी भी टूट जाता है। तो वही चीज़ हुआ कि अगर यहाँ पर आप खड़े खड़े फेंके, पार फेंक दिए, बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आप वही चीज़ यहाँ से आते हैं, ठीक है, यहाँ पकड़ के उसके बाद आप ऐसे करके रिलीज़ कर देते हैं, तो ये जो फोर्स हुआ ज़्यादा हो गया। ये पहला टेक्निक हो गया। अब जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टेक्निक की, तो वो हो गया पेरियोब्राइन टेक्निक। देखिए उसमें क्या होता है, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया था, जो बिहार पुलिस की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने बताया था, उसमें क्या होता है वही सेम चीज़, यहाँ से तो आप फोर्स लेके आए, लेकिन इधर क्या होता है कि हम घूम के फोर्स को जनरेट करते हैं और इस थाई पे लाते हैं, और थाई से लाते लाते इस हार्ट पे, शोल्डर पे, चेस्ट पे, और प्रेस। देखिए उसमें क्या होता है, ये चीज़ें आपने इस तरह से पकड़ा शॉर्ट पुट को, यहाँ पे आप रखे नेक के पास, ठीक है, आपका जो ये कॉलर बोन होता है इसके पास, और उसके बाद आपको क्या करना है, एक टी पोजिशन बनाना है। टी पोजिशन बनाने के बाद बैंड क्राउच एंड थ्रो, ठीक है, समझ गए। अब इसी को हम तेज करके दिखाते हैं, लो जो टी पोजीशन था, आपको टी पोजीशन जब बनाना है, ठीक है, तो ये पूरा ऊपर इस तरह से टी, ये हो गया क्राउच, ग्लाइड एंड थ्रो। अब सेम चीज आपको तेज करके दिखाते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना छोटू, रेडी। ये पोजीशन हो गया टी क्राउच, ठीक है, इजिली चला गया 25 फीट के आसपास। तो ये टेक्निक को बोलते हैं ग्लाइडिंग टेक्निक और पेरियोब्राइन टेक्निक, ठीक है। अब आ गया तीसरा टेक्निक। तो अब जब हम बात करते हैं तीसरे और सबसे फाइनल टिप्स की, जो टेक्निक है वो ओलंपिक के जो प्लेयर है, जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा इस फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, वो टेक्निक उपयोग करते हैं। वो कौन सा टेक्निक है, रोटेशनल या फिर डिस्को पट, उसको डिस्को पट बोलते हैं, दोनों का एक ही नाम है। उसमें क्या होता है कि जैसा कि आपने देखा होगा, घूम घूम के पावर जनरेट करके फेंकते हैं। देखिए इस तरह से ये शॉर्ट पुट यहाँ पे रखे, शॉर्ट पुट रखने में और रिलीजिंग में, रिलीजिंग का कितना एंगल होना चाहिए जब आप रिलीज करते हैं शॉर्ट पुट? 90 डिग्री, 90 ऐसे फेंकोगे क्या, ये ऊपर फेंकोगे 90? हाँ देखिए जनरली 45 माना जाता है, लेकिन बहुत सारे जो प्लेयर है वो 38 में भी अच्छा फेंकते हैं, 40 में भी, 42 में भी। अब तीनों टेक्निक जो मैंने आपको बताया, तीनों टेक्निक में अलग अलग रिलीजिंग पॉइंट और अलग अलग एंगल होता है, अच्छा होता है। अब किसी के हाइट पे भी डिपेंड होता है, किसी का अपना खुद का जो वेल जिसमें अच्छे से वो कंफर्टेबल हो पाते वो फेंकते हैं, लेकिन जनरली अगर आप मान के चलिए तो 39 से लेकर 45 के बीच का अगर आपका डिग्री है तो आप अच्छा थ्रो कर सकते हैं, अच्छा थ्रो जाएगा आपका, ठीक है। पैराबोला समझते हो, फिजिक्स पढ़े हो, पैराबोला बस आप इतना समझिए कि इतना ज़्यादा आपको डिस्टेंस ऊपर नहीं दे देना है, इतना मैक्स, इतना डिस्टेंस ही देना है कि जितना डिस्टेंस वो ज़्यादा दूर तक जा पाए, ठीक है। अब आप इसको यहीं फेंक दीजिएगा तो कहाँ गिरेगा, माथा पे, खुद का डिस्टेंस तो नहीं कवर हो पाएगा, तो ये फिजिक्स का पैराबोला होता है। तो अब जो डिस्को पट वाला टेक्निक होता है उसमें क्या होता है, सेम चीज़ यहाँ से होता है, ऐसे ये यहाँ रखा, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे एंड थ्रो, ठीक है। जनरली ये जो है, आप अगर अच्छे क्वालिफाइड कोच के पास जाते हैं, ये सारे चीज़ आपको यूट्यूब पे आप देख भी लीजिएगा तो अच्छे तरीके से सीख नहीं पाइएगा, इसको आपको अच्छे कोच पास जाना पड़ेगा तब सीख सकते हैं। अगर आपका ये जो सिंपल ऑर्थोडॉक्स से पार नहीं होता है तब आप ये टेक्निक को आप इजीली सीख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, टी बना के इस तरह से क्राउच एंड थ्रो, ये टेक्निक आप आराम से सीख सकते हैं यूट्यूब पे भी और मेरे वीडियो के माध्यम से भी। लेकिन जो ये टेक्निक मैंने आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक जो है डिस्को पट, इसको सीखने के लिए मैं तो हूँ आपको सिखाने के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं इसको, और ये टेक्निक वही सीखते हैं जिनको करियर बनाना है शॉर्ट पुट में ही, फिजिकल वाले लोग इनको मतलब मुश्किल से लगता है अगर 100,000 to 12,000 फेंकेंगे तो उसमें से एक ये टेक्निक उपयोग करते हैं, कि एक भी नहीं करते होंगे मेरे ख्याल, ठीक है। इस टेक्निक का क्या सिस्टम है, ध्यान दीजिए, इस टेक्निक में यहाँ से ये पकड़ा, ये पोजिशन ये यहाँ से रहा, घूमा ये यहाँ, और ये तो रिलीज हो गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा तेज करके दिखाते हैं, ठीक है।
इसी तरह से आपको करना है, ये जो टेक्निक होता है इसको पट। ठीक है, मैं प्रोफेशनल शॉट पुटर नहीं हूँ, बस ट्राई कर रहा हूँ, और जो भी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ मैं खुद सीख के बता रहा हूँ। फिजिकल एजुकेशन का ये सारा जो है सारा चीज़ सिखाया जाता है। ठीक है, तो शॉट पुट का ये छोटा सा आज वीडियो था, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आपको भी समझ में आ गया है। yes, sir! और आपको भी अगर नहीं समझ में आया, और ज़्यादा डिटेल वीडियो चाहते हैं तो और ज़्यादा बनाया जाएगा, बस डिमांड क्या करना है आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और इसका वर्कआउट के बारे में बताते हैं। जनरली जो शॉर्ट पुट के लिए क्या चाहिए, बॉडी में जर्क चाहिए। ठीक है, जर्क आप कहाँ से आएगा, पुशअप्स हो गया, आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए आपको, आप पुलअप्स लगा सकते हैं। जनरली आपका शोल्डर में, आपके आर्म में और आपके चेस्ट के अपर भाग में थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है, पावर तो अपर और बॉडी में पूरा चाहिए, लेकिन इन सारे जो मसल्स में बताए इनमें थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए। तो यही था आज शॉर्ट पुट का वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि वर्कआउट का वीडियो बनाया जाए, कि शॉर्ट पुट का वर्कआउट किस तरह से वर्कआउट करके आप शॉर्ट पुट को और बढ़िया तरीका से बढ़ा सकते हैं, ये सारे टेक्निक थे, इन सारे टेक्निक को जो मैं आपका नाम बताया, ये सारे टेक्निक को आप देख के फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप वर्कआउट के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट अगर ज़्यादा हुआ, कमेंट मुझे लगा कि डिमांड और ज़्यादा आ रहा है, तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, बोलो भारत माता की जय।